हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी सैटरडे मॉर्निंग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे। और ये देखो, मैंने पोहे को पहले पानी से धो लिए हैं, अब ये सूख जाएंगे। और फिर इसके बाद इसका मैं मसाला यहाँ पे कढ़ाई में रेडी कर रही हूँ। और इसमें मैंने 1.5 कप ऑयल डाली है। ऑयल में मैंने थोड़ा सा पहले राई डाली, राई थोड़ी सी सौते हो गई, फिर उसमें कड़ी पत्ता डाला, कड़ी पत्ता सौते हो गई, फिर उसमें मैंने हरी मिर्ची डाली है पक करके, फिर उसके बाद मूंगफली डाली है, अनियन डाले हैं लंबे लंबे चॉप करके। अब ये सारे को सौते कर लूँगी। सौते करने के बाद उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी डालेंगे। ये देखो, ये सब सौते हो रहे हैं ऑयल में। बिल्कुल इनको अच्छे से गर्म कर लूँगी। और फिर उसके बाद ये मेरी मूंगफली है, जिसमें हम इसमें आप अपने अनुसार नमक डालें, नमक, लाल मिर्च, हल्दी। ये देखिए, ये सौते हो गए फर्स्ट क्लास। इन सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। आज इतने दिन से हैवी खा रहे, तो आज मन कर रहा है कि लाइट कुछ खाया जाए। पोहा, पोहा इज़ वेरी लाइट इन ईटिंग। और ये गुजराती एंड मराठी इसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है। और यू कैन टेक टेल लाइक इट्स अ स्नैक आल्सो इवनिंग टी टाइम। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क डालूंगी। मिल्क मैंने इसलिए डाला है ताकि मैं जब पोहा इसमें डालूंगी तो वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, नहीं तो आधा मसाला कभी मिक्स होता नहीं है, आधा वाइट रह जाता और आधा येलो हो जाता है। तो इसीलिए हम दूध डालते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। ये देखो, हम इसमें डालेंगे। अब ये देखो, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा। और सारा ही मसाला इसमें प्रॉपरली लपेटा जाएगा, नहीं तो आधा वाइट रह जाता है और आधा येलो हो जाता है। तो ये देखो, आप बहुत इजीली हो गया। और जब ये बन जाएंगे, इसमें मैं नींबू स्प्रिंकल कर दूंगी, लेमन का जूस, ताकि ये थोड़ा सा खट्टा मीठा सा नमकीन सा पोहा बन जाएगा। थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।